योयो हनी सिंह। योयो, वेलकम टू स्टार वर्डिक्ट। थैंक यू वेरी मच मैम। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारे शो का ये पहला इंटरव्यू है जो हम रात के 12 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप सोते कब हैं? मेरे को मैम सोने का बड़ा प्रॉब्लम है। मैं एक तो हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही सो पाता हूँ। क्यों? अभी 2 साल से ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा हुई तो उस वजह से हो गया। उससे पहले जब ट्रैवलिंग नहीं थी तो मैं स्टूडियो में रात को ही काम करता था और सुबह सोता रहा मैं 6 साढ़े 6 बजे। आज भी वही स्केड्यूल बना हुआ है कि 6-7 बजे ही नींद आती है मुझे। उससे पहले नींद आती ही नहीं, जितना मर्जी कर लूँ। लेट जाऊंगा अभी बिस्तर पे तब भी दिमाग चलता रहता है और उठ ही जाता हूँ, नहीं सो पाता। मुझे ये बताएं कि रिदेश सिंह से यो यो हनी सिंह आप कैसे बने? 2005 में मैं बहुत धक्के खा रहा था, काम नहीं मिल रहा था मुझे इंग्लैंड के अंदर भी। तो मैं इधर दिल्ली में एक रिकॉर्डिंग करने आया तो वहाँ मेरी स्टूडियो में एक मुलाकात हुई अशोक मस्ती, पंजाब के सिंगर हैं, उनसे। वो एक अपनी एल्बम पे काम कर रहे थे तो मैंने उन्होंने मुझे देखा और बोला कि आप क्या करते हो? मैं कहा सर मैं भी थोड़ा सा म्यूज़िक करता हूँ। तो वो मुझे बोले कि अच्छा तो हम भी अपनी एल्बम कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ बना दो। तो मैंने एक स्क्रैच बनाया उनके लिए और उन्होंने गाया। वो बहुत फ्यूचरिस्टिक, बहुत अर्बन म्यूज़िक था, टू मच अर्बन। तो वो मुझे बोले यार ये इंडिया में नहीं चलता, पंजाब में नहीं चलता, ये इंग्लैंड में चलता होगा। मैं कहा सर वहाँ पर भी नहीं चलता, मुझे तभी काम नहीं मिल रहा तो, लेकिन ये म्यूज़िक एक दिन पूरे हिंदुस्तान में चलेगा, ये मेरी कन्विक्शन उस वक्त भी थी। तो फाइनली उनको नहीं समझ में आया, उन्होंने नहीं लिया वो गाना। फिर मैं चला गया इधर उधर, हम कहीं हो गए। 6-8 महीने बाद मुझे पता लगा वो मुझे ढूंढ रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ जी सर बताओ क्यों ढूंढ रहे हो? तो कहते यार वो जो गाना था आपका वो हमारे प्रोड्यूसर के बच्चे को बहुत पसंद आया। वो कह रहा है ये, वो उनका बच्चा अंग्रेजी गाने सुनता है तो वो कह रहा है कि चलो एक गाना कर लो उस लड़के को बुला के। तो मैंने उसके अंदर एक रैप भी किया था इंग्लिश में और जो मैंने किसी और से गवाना था। और बाई चांस जिन्होंने वो गाना था वो फाइनली मुझे वो वोकलिस्ट मिली नहीं, शी वॉज माई फ्रेंड। तो फिर फाइनली उन्होंने कहा वो आप ही गा दो रैप। और कोई नहीं मिला इसलिए आप गा दो। मैं कंपोजर था तो मैंने खुद ही गाया, मैंने खुद डमी में गाया हुआ था। तो कहते आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है तो आप ही गा दो। मैंने कहा चलो ठीक है मैं गा देता हूँ, अंग्रेजी में था वो। 2008-10 में मैंने कहा चलो एक मैं एल्बम प्रिपेयर करता हूँ, जो एल्बम मैं बनाना चाहता हूँ, नए नए सिंगर उसमें डालता हूँ, एक दो गाने खुद गा लेता हूँ। और उस टाइम पे जब मैंने एल्बम शुरू करी तब हिंदुस्तान में अंग्रेजी गानों का दौर बहुत था, बड़े बड़े एक्टर्स भी इंटरनेशनल रैप आर्टिस्ट को लेकर आ रहे थे बॉलीवुड के अंदर भी, और वो सब चीज़ें चल रही थी। और जहाँ आप गाना सुनो अंग्रेजी गाने बज रहे थे। और हिंदुस्तान में मैंने देखा कि 60% लोग इंग्लिश बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन एक भी अंग्रेजी गाना किसी को याद नहीं है, किसी को नहीं याद, कोई नहीं सुना सकता। तो मुझे यही था, मैं कहा यार ये गा इनको सुनते हैं, ये गा तो सकते नहीं, इनको सिर्फ इसलिए सुनते हैं क्योंकि म्यूज़िक क्वालिटी अच्छी है, सिर्फ इसलिए देखते हैं क्योंकि इनके विजुअल्स बहुत बड़े हैं। सो मैं अपनी एल्बम जो अगली बनाऊंगा वो इनके लिरिक्स होंगे, हमारे ही बच्चों के, यंगस्टर्स के लिरिक्स होंगे, इन्हीं की बातें होंगी, अर्बन, और म्यूज़िक अर्बन होगा जिसमें मैं बहुत सही हूँ, मैं बहुत अच्छा होमवर्क करता आ रहा हूँ 8-10 साल से उसके अंदर, सो आई नो हाउ टू मेक इट। और विजुअल के लिए या तो मुझे जो अपना पैसा कमाया 5-6 साल से वो लगाना पड़ेगा या मुझे कोई कंपनी देखनी पड़ेगी, बट कोई कंपनी नहीं मिली। फाइनली वी प्रोड्यूस आवर ओन वीडियोज, फाइनली वो एल्बम एकदम से रेज बनने लग गई चारों तरफ। अब आप एक्टर बन रहे हैं एक्सपोज में? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। मुझे लगता है कि अपनी आर्टिस्टिक ग्रोथ के लिए अगर मैं ये चीज़ करता हूँ तो इससे मेरी बाकी चीज़ों में एक्सपेंशन होगी। इस बात पे मैंने रैप लिखा, बताऊँ आपको? हाँ। सुनाऊँ? कहता शुरू किया मैंने एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, आज मेरे यार दोस्त बड़े बड़े एक्टर, वैसे बॉलीवुड में आती रोज पिक्चरें पर सुपरहिट पिक्चरों का यो यो एक्स फैक्टर। ये मैं नहीं कहता वो खुद यही मानते, कोयले की खान में हीरे को पहचानते, मिडिल क्लास बॉय आज सुपर स्टार है, चार्टर्ड में घूमे और 4 बड़ी कार है। अब आगे की जिंदगी, मिलियन डॉलर्स, आई डोंट गिव अ डैम।